30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा, और राहु का ये जो गोचर है केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर केतु देव कन्या राशि में रहने वाले हैं। अब राहु केतु के कुछ रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको बड़ा हैरान करने वाला है। पहला मित्रों, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, यानी कि अभी तक, यानी कि इस वीडियो 2023 तक और जब से राहु केतु का सर कटा है तब से अभी तक विद्वानों के बहुत अलग अलग मत है। मतलब राहु केतु में जितना कन्फ्यूजन है ना मित्रों, उतना कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। कोई ये मानता है कि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, कोई मानता है कि धनु राशि राहु की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार से केतु में अलग अलग कन्फ्यूजन है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसमें। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, राहु केतु एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि एक आत्मा दो जान है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए दोनों में भी आपस में शत्रुता है। यानी जब देवता का दर्जा दोनों को मिल गया, राहु को और केतु का, तो एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे और एक दूसरे से भी शत्रुता इन्होंने कर ली, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है ना, वो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है। अब कॉपी कैट का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी और देखिए चालाकी जन्मजात होती है, ऐसे लोग बहुत चालाकी करते हैं, बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, साथ ही साथ किसी चीज़ की कॉपी करने में मास्टर, जैसे कहते हैं ना जूते की कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी नकल बना ली, कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ओरिजिनल को भी मात देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका भी राहु अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शनि की राशि बुध की राशि शुक्र की राशि में बैठा है, तो मान के चलिए ऐसे लोग कॉपीकेट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना, कोई टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत अच्छा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ केतु के बारे में बात करें तो केतु जो ग्रह है वो इंट्यूशन वाला होता है, यानी केतु जिसका भी स्ट्रांग होता है, और केतु किन राशियों में स्ट्रांग होता है ये बड़ा कन्फ्यूजन है। केतु अधिकतर मित्रों जो राशियां हैं बुध की गुरु की शुक्र की राशियों के अंदर स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा बुध की राशि गुरु की राशि शुक्र की राशि में स्ट्रांग माना जाता है केतु को। तो यहाँ पर केतु अगर होंगे तो आपकी कुंडली में और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो केतु आपका अच्छा है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो जाएगी, यानी आपको एक अनुभव पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, आपको बुरे और अच्छे की इंट्यूशन आने लगेगी, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण आप जो हैं अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो राहु और केतु दोनों अगर अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक में चालाकी बहुत अच्छी मिलती है और एक में इंट्यूटिव पावर ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधी होती है, याद रखिएगा। इनकी जो दृष्टि होती है कुछ विद्वानों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, याद रखिएगा। और विज्ञानों को मतलब विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं राहु को लेकर, कोई 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मानता है, कोई कहता है कि इनकी जब कोई राशि ही नहीं है तो इनकी दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुपम में देखा कि इनकी दृष्टि का महत्व होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 9 महीने यानी शुरू के जो 9 महीने आपको अच्छा या बुरा दोनों इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी जबरदस्त मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बुरे होंगे तो बुरा इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगा, 9 महीने तक मिलेगा। फिर अंतिम के जो 9 महीने वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होते हैं, यानी कि 9 महीने ज़्यादा इसका अच्छा या बुरा इफेक्ट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की, टॉरस के बारे में। तो टॉरस वालों का अगर देखा जाए तो धन की बड़ी समस्या 2023 में देख रहा हूँ, धन
और इच्छित काम नहीं हो रहा, काम में बड़ी बाधाएं हैं, शादी विवाह संतान रिलेशनशिप में भी बड़ी बाधाएं टॉरस की साल 2023 में लोगों से सुनने में आई। चलिए आप बात करते हैं, ये जो राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहा है और आपके लाभ भाव में बैठा, और लाभ भाव में जो बैठे हैं राहु देव, तो कहीं ना कहीं देखा जाए लाभे स्थाने गोचरे राहु धन धान्य वृद्धि कारक, यानी लाभ स्थान के अंदर जब भी राहु या शनि कोई भी क्रूर ग्रह गोचर करता है तो लाभ ही देता है, धन धान्य में वृद्धि करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 यानी 18 महीने देखा जाए तो आपके लिए बहुत बेस्ट समय रहेगा। और राहु का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, राहु का रिजल्ट सब राहु और शनि का रिजल्ट तो मिलता ही याद रखिएगा, सबसे बड़े गोचर होते हैं मित्रों ये। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, आपका आपका स्वास्थ्य पर लेकिन इसका बुरा असर पड़ेगा क्योंकि लाभ भाव में जब भी राहु बैठता है तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ता है, यानी खान पीने की बुरी आदतें हम पे लग जाती है, हम ड्रिंक ज़्यादा करने लगते हैं, गुटखा तंबाकू ये चीज़ें ज़्यादा खाने लग जाते हैं, बैड हैबिटें हमारे पे बढ़ जाती है याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं 18 महीने बैड हैबिटें बढ़ सकती है लेकिन इच्छाएं काफ़ी पूर्ति होंगी, करियर में इच्छा पूर्ति होगी, विवाह से संबंधित करियर से संबंधित कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी जैसे ही राहु का गोचर होगा। साथ ही साथ खूब धन आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ विदेशी काम भी आपके सफल होंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं और वहाँ सेटलमेंट करना चाहते हैं तो विदेशी काम आपके राहु की वजह से सफल होंगे। साथ ही साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी इनकम भी आपको प्राप्त होगी या विदेश से संबंधित यदि आपका काम है तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ होगा। अगर आपका विदेश से संबंधित काम नहीं भी है तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उनको विद्या में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। जो नौकरी कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली तो 30 अक्टूबर के बाद देखा जाए नौकरी के योग बनते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं उनके पद लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कुछ वृषभ राशि ऐसे हैं जिनके सरकारी कोई पेंडिंग काम अटका हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस के डिसीजन भी आएंगे और उसमें विजय प्राप्त या उसमें मनो मुताबिक सफलता भी आपको मिल रही है, यानी मन की आपकी अब आपकी हो रही है 30 अक्टूबर के बाद। साथ ही साथ देखा जाए तो कोई गुमनाम शक्ति आपके सारे काम बनाएगी, यानी कि राहु आपके राहु का आशीर्वाद पूरा 18 महीने वृषभ राशि के पास रहेगा और कहते हैं ना मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, यानी कि राहु के आशीर्वाद गुमनामी की तरह आपके आपके सर पे रहेगा, यानी गुमनाम व्यक्ति की तरह और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, जो रुके हुए काम हैं आपके इन 18 महीने के अंदर बनते हुए चले जाएंगे। हालांकि वृषभ राशि वालों की रोने की आदत है, आपके काम जरूर बन जाएंगे लेकिन आप रोना नहीं छोड़ेंगे, चलिए वो अलग बात है। साथ ही साथ देखा जाए राहु की जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है मित्रों, तो उससे देखा जाए आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर 18 महीने में आपका स्थान परिवर्तन होगा, यानी कि या तो नौकरी में आपका तबादला होगा या फिर जहाँ आप रह रहे हैं जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं तो वहाँ से आपका स्थान परिवर्तन होगा और साथ ही साथ आपके परिवार के अंदर विवाह संतान के शुभ काम भी होंगे, भाई बहनों के बेटा बेटी के विवाह संतान के शुभ काम होंगे, जो कुंवारे हैं या तो फिर उनका होगा या आप आपकी बेटी का, आपके भाई का, आपका बहन का, इन 18 महीने में शुभ काम होगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वीर तुम अड़े रहो, धीर तुम अड़े रहो, जो फिलॉसफी लेके चल रहे हैं तो 18 महीने खूब मेहनत करें, आपको बड़ी सफलता, बड़ा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे, यानी 18 महीने बड़ी सफलता के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के वृषभ राशि के लिए अच्छा है, हालांकि ये लोग रोते ही रहते हैं, कितना ही अच्छा हो जाए लेकिन ये दुखड़ा रोएंगे ही रोएंगे।